राम नाम धुन के साथ मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने शंखनाद के साथ फहराया भगवा ध्वज। श्री राम मंदिर भूमि पूजन पर सुंदरकांड का पाठ और भगवान राम जी की आरती। महू विधानसभा में 30,000 परिवारों में हनुमान चालीसा वितरित। अयोध्या में निर्मित होने वाली भव्य श्री राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर शहर में आज सुबह से भगवान राम का भक्तिमय माहौल दिखाई दिया। इस अवसर पर पर्यटन, संस्कृति व अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने अपने निवास पर भगवा ध्वज फहराकर शंखनाद किया। राम नाम धुन के बाद सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया गया। पाठ संपूर्ण होने पर राम दरबार के पूजन कर सुश्री ठाकुर जी द्वारा माँ व परिवारजनों के साथ भगवान राम की महाआरती की। दीदी की माता जी प्रतिदिन भव्य श्री राम मंदिर बनने की प्रार्थना करती थी। आज भी माँ ने साथ में पाठ किया। इस दौरान कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस सहित सभी नियमों का पालन किया गया। राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर जहां कैबिनेट मंत्री के घर पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई, वहीं शाम को दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। 30,000 परिवारों में हनुमान चालीसा वितरित। सुश्री ठाकुर द्वारा अपने महू विधानसभा क्षेत्र में 25,000 परिवारों में हनुमान चालीसा वितरित करवाई गई, जिसका आज भाजपा के समस्त भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समस्त वरिष्ठ जनों और भाइयों बहनों द्वारा सतत हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में सोशल मीडिया के जरिए भी भक्त जुड़े। आज राम भक्त राष्ट्र भक्तों की खुशी का पारावार नहीं है। सुबह सूर्योदय के साथ भगवा पताका फहराई, शंख नाद के साथ राम संकीर्तन प्रारंभ हुआ और 11 बजे से 1 बजे तक निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ये सारे आयोजन मैंने अपनी विधानसभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महू में भी मंडल अध्यक्ष, पार्टी के समस्त पदाधिकारी भाई बहनों के साथ जन जन तक लगभग 30,000 नागरिकों तक हनुमान चालीसा पहुंची और सभी अखंड हनुमान चालीसा के पाठ में अहिर्निश लगे रहे। सभी को कोटि कोटि बधाई। यह स्वर्णिम दिवस, कोटि कोटि शुभकामनाएं, बधाई के साथ हम सभी के लिए खुशियां लेकर आया है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।